that, and we'd really like to see that. Let's talk about a few other things. Interestingly, aggressive batting has been the key here. और आज जो दो टीमें हम जिनकी बात करें जो फाइनल में गई हैं, उन दोनों ये वो वही टीमें हैं जिन्होंने 6 रन्स पर ओवर की एवरेज से ज़्यादा अपने पहले 10 ओवर्स में बैटिंग की है. No other team in this World Cup has done that. These are the only two teams, Australia and India, that and that they did by playing proper cricketing shots. Yes, not slogging, not pinch hitter. Great player like Rohit Sharma starts off playing his shots, then Gill starts from India, and then same go for Australia. Now, pehle Mitch Marsh tha, ab Travis Head hai, uske baad Warner to be now. He's one of the greatest modern great of all time. The way he bats, what I love about abhi semi-final mein, David Warner kya karta hai? Wo puri team ko lift karta hai, jo wo fielding karta hai. जहाँ भी खड़ा ही डाइव्स इज एट इट, उसकी थ्रो भी गोली की तरह आती है. मैच वो हार भी रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ हैबिट. अगर आप शुरू में नए नए टीम में आए, आपकी पहली थ्रो 3 ठप्पों में जा रही है, तो वो सारी उम्र आपकी आदत रहेगी. बिकॉज इट्स थ्रो का ये अब कई कहते हैं रैंडम मारे, यहाँ अजीब भी कल्चर है. अजीब कल्चर क्रिकेटिंग कल्चर की बात कर रहा हूँ. थ्रो नहीं करो बाजू खराब हो जाएगा, तो बाजू कितने लेके जाना है? थ्रो के लिए है ना, जिस तरह आप कहते हैं ना बल्ला कितने लेके जाना. एग्जैक्टली अंपायर साहब कहते हैं ये देखें, ये रोके हैं एकदम बैट्समैन. एक तो विकेट ऐसी कि आपको वैसे ही बॉलिंग कोई आपको बॉल ही नहीं दे रही, ऊपर से जो कोई एक मिडल होता था 3 ओवर के बाद वो भी आप जो है वो रोक लेते हैं. तो प्रेशर तो एक चीज यहाँ से हमें पता चलती है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि की टू सक्सेस, एक तो रन रेट तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पिक करनी है कि भाई टेक्निक आपको बड़ी ज़रूरी है. कंसिस्टेंसी तभी आएगी अगर आपकी टेक्निक अच्छी होगी. टेक्निक नहीं होगी तो वन ऑफ होगा. हमें कंसिस्टेंसी, हम क्यों T20 से कहते हैं जी मॉडर्न डे क्रिकेट है. मॉडर्न डे क्रिकेट तो ठीक है, आपने वन ऑड एक दो शॉटें मार दी, बट एट द सेम टाइम योर एवरेज ऑल्सो मैटर्स एंड दैट इज द की. वरना उसका फायदा ही नहीं ना. आपको एक मैच, आपने 5 मैच या 6 मैच जीतने हैं और एक बैट्समैन 7वें में स्कोर करता है तो आपकी टीम तो पहले ही बाहर हो गई है ना. उसका इंतजार करते रहेंगे कोई 6ठे 7वें में करेगा. तो आप ठीक है ये सारी चीज़ें देखें, मॉडर्न डे क्रिकेट सारी चीज़ें, बट अगेन कंसिस्टेंसी इज द की. इसमें डेविड वॉर्नर की आपने बात की, तो ऐसी फील्डिंग कब आप करते हैं? दो एलिमेंट्स हैं उसके. एक आपकी फिजिकल फिटनेस, वो यहाँ पे होनी चाहिए, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट अलाउज यू टू स्टे कंसिस्टेंट. यही विराट जो है वो क्यों रन्स बनाता है. अगर ठीक है उसे वो जो उसका प्रोसेस है रन्स बनाने का वो उसे आता है, लेकिन अगर उसकी बॉडी साथ नहीं देगी तो कहाँ से बनाएगा रन्स? अगर डेविड वॉर्नर जो लेफ्ट राइट जो डाइव करता है, वो कैसे फील्डिंग करके भी ये करते हैं, तो ये फिजिकल फिटनेस उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए. एक और चीज़ है, हम लोग वी डू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि जस्ट फाइट टिल द लास्ट बॉल, ये हमें चाहिए, बट आर वी केपेबल इनफ टू डू दैट? आई डोंट थिंक सो. ओके, वो मेंटल मैनेजमेंट आप थोड़ा इस पर भी जरूर बताएं. वर्कलोड मैनेजमेंट जब से कॉन्सेप्ट आया है, मैंने देखा प्लेयर्स के अंदर जान नहीं मारनी पूरी, एनर्जी बचानी है. बॉलर आ रहा है तो वो दो ओवर ही करे, तीसरा मैं नहीं करूंगा. मैं इसकी ना एग्जांपल जरूर, बहुत अच्छी बात आपने की, मैं इसकी एग्जांपल जो है ना वो देना चाहता हूँ. और ये ऐसी एग्जांपल है कि वकार भाई हमारे कोच थे, हम लोग 2015 जो है टूर पे हम लोग श्रीलंका थे, तो श्रीलंका में आपको पता ही है बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत है, यू आर स्वेटिंग ऑल द टाइम. द मिनट यू स्टेप आउट फ्रॉम द होटल और फ्रॉम योर रूम यू स्टार्ट स्वेटिंग. आई स्टिल रिमेंबर कि हमारा फील्डिंग सेशन डे बिफोर द गेम ऐसा होता था कि सारी जान निकल गई होती थी. वाह, सारी जान निकल गई होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो वाले बंदे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे जो यहाँ ब्लॉकेज नहीं रखते थे. क्यों मेरी एनर्जी चली गई, हाँ मैं थक गया हूँ, मैं कल पता नहीं क्या होगा. नहीं यार, ये
कोई मकसद ही नहीं बनता। कुछ ये भी तो कहते हैं, पांच तीन छुआरे खा लो ताकत आ जाएगी। उसके साथ ये जरूर है मोइन भाई, प्रोफेशनलिज्म भी, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस यहाँ आप चाहते हैं तो प्रोफेशनलिज्म भी आपका यही होना चाहिए। वही जो ये इंटेंसिटी है वो रिकवर कैसे करना है, आपने रिकवरी में आपको क्या चीजें चाहिए। और ये नहीं होगा अगर 15 लोग हैं तो 15 को डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए टू रिकवर। सो प्रोफेशनलिज्म वहां आ जाता है, प्रोफेशनलिज्म आपको खुद सीखना है। जैसे आप अकेले बैटिंग करने चले जाते हैं ना, या बॉल आपके हाथ में है, वो भाई अब आप नहीं करना है। तो इसी तरह आपने स्किल पे अगर काम करना है तो ये चीजों पर भी सीखना है कि मैंने रिकवर कैसे करना है, कौन कौन सी ऐसी चीज करनी है। उसमें आइस बात आ जाता है, उसमें आपके बहुत सारे जो है कार्ब्स, आपको हेल्दी कार्ब्स खाने पड़ते हैं जिससे आप फास्टर रिकवर करते हैं। कार्ब्स क्या है ये भी एक्सप्लेन कर थोड़ा। हेल्दी कार्ब्स में तो पिछले साल भी उसमें वाइट राइस आ जाते हैं, उसमें मैश पोटैटो आ जाता है, उसमें स्वीट पोटैटो आ जाता है, उसमें आप जो है आपके जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द गेम्स। फिर जो आपके जेल्स हैं जो आपको इंस्टिंक्ट एनर्जी देते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है, खजूर केला ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको इंस्टिंक्ट जो है एनर्जी देती हैं।